Now we are starting the last chapter of your book, chapter 65, Major International Bodies. Okay, so a number of international organizations have been set up. बहुत सारी organizations हैं जो internationally हैं और वो set up हुई हैं to address issues that concern the world in general. उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए या उनके बारे में बात करने के लिए जो पूरे संसार भर में कॉमन है. आइडेंटिफाई एंड राइट द फुल नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. सो सबसे पहले हमें ये दिए हुए हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के एम्ब्लम, ओके, और इनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन. जैसे कि सबसे पहले है 1961 में इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में, ओके. और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है वो है कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे संसार में ह्यूमन राइट्स के लिए, मतलब मौलिक अधिकारों के लिए, मानवीय अधिकारों के लिए कैंपेन करना. और इसकी फुल फॉर्म है इस ऑर्गेनाइजेशन की एमनेस्टी इंटरनेशनल, ओके. सेकेंड नंबर पे ये आप देख सकते हैं एम्ब्लम है यहाँ, और इसकी फॉर्मेशन हुई है 1944 में वॉशिंगटन यूएसए में. इसका हेडक्वार्टर है, मिशन है इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना और ग्लोबल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को फॉस्टर करना, ओके. और इस ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, राइट. तो चलिए आगे चलते हैं. ये यहाँ पर थर्ड नंबर पर आप एम्ब्लम देख सकते हैं. 1945 में ये फॉर्मेशन हुआ था इसका. हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, एंड इसका मिशन है मेक डिसीजन अबाउट मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स और पीस, मतलब शांति को बनाए रखने के बारे में डिसीजंस लेना. और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस. तो चलिए आगे चलते हैं. नंबर फोर पर आप एम्ब्लम देख सकते हैं. इसकी फॉर्मेशन हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की 1948 में. हेडक्वार्टर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो है जेनेवा में, और इसका मिशन है प्रमोट्स हेल्थ कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड एंड रेज मेडिकल स्टैंडर्ड्स. मेडिकल स्टैंडर्ड्स को रेज करना और हेल्थ कंसर्न, जो अपनी सेहत के प्रति लोग जागरूक हो, इस चीज़ को प्रमोट करना. और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं WHO भी. आगे देखेंगे हम. नंबर फाइव पर एम्ब्लम दिख रहा है आपको, और ईयर ऑफ फॉर्मेशन है 1961. हेडक्वार्टर इज एट स्विट्जरलैंड, और इसका मिशन है प्रोटेक्ट करना इंडेंजर्ड एनिमल्स को और वाइल्ड लाइफ के बारे में दुनिया भर में अवेयरनेस फैलाना. सो इसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर. लास्ट वी हैव, यू कैन सी द एम्ब्लम, एंड ईयर ऑफ फॉर्मेशन इज 1946. हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में. मिशन है इस ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ और वेलफेयर, बच्चों की जो है उसे इम्प्रूव करना, इम्प्रूव द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन. ये बच्चों के लिए काम करते हैं, उनकी हेल्थ के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए. और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. सो आप इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के जो नेम हैं, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके मिशन और उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन, इनकी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इसे आप लर्न करेंगे. और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून. गॉड ब्लेस.